दोस्तों फिर से आ गया हूँ एक ट्रिक को लेकर, जहाँ पर आप अमेजोन पे बैलेंस को पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अमेजोन पे बैलेंस को पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ट्रिक कब तक रहेगा मुझे भी पता नहीं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप अमेजोन पे बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने पेटीएम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है समदिल। करना क्या है, सिंपली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक में क्लिक करके इस लिंक को ओपन करेंगे तो प्ले स्टोर में आपको डायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल पर। दोस्तों ऐप डाउनलोड होने के बाद सिंपली ऐप को ओपन कीजिए, उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज को सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है साइन अप, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप साइन अप कर जाइए। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना नाम को यहाँ पर दे दीजिए, उसके नीचे मोबाइल नंबर से यहाँ पर साइन अप कर जाइए। कोई भी मोबाइल नंबर आप यहां पर दे दीजिए। उसके बाद यहां पर साइन अप नीचे दिख रहा है, यहां पर सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। दोस्तों ओटीपी एंटर करने के बाद सिंपली आप लॉगिन में क्लिक कीजिए। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है एड मनी, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका अमेजोन पे बैलेंस जितना भी है यहाँ पर सिंपली अमाउंट को एंटर कीजिए। अमाउंट एंटर करने के बाद नीचे आपको दिख रहा है कंटिन्यू, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो करेगा और यहाँ पर आपको कोई भी एक ईमेल आईडी यहाँ पर दे देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको प्रोसीड दिख रहा है, यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, सिंपली आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा है वॉलेट, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद अमेजोन पे को सेलेक्ट करना है, नीचे आपको दिख रहा है पे, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ देर लोडिंग लेगा, देख सकते हैं। उसके बाद अमेजोन के पेज में रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर सिंपली आप अपना अमेजोन अकाउंट को लॉग इन कर लीजिए, जिसको आपको ट्रांसफ़र करना है बैंक में। तो सिंपली मैं भी लॉग इन कर लेता हूँ यहाँ पर। दोस्तों आईडी पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपली लॉगिन में यहां पर क्लिक करना है। उसके बाद जितना भी अमाउंट आपने एंटर किया और आपका अमेजोन पे बैलेंस में जितना अमाउंट है यहां पर दिखा देगा। सिंपली आप नीचे पे नाउ के बटन में यहां पर क्लिक करेंगे और ये जो है सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा, देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद यहाँ पर ओके कर दीजिए और ऊपर आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर दिख रहा है विड्रॉल, यहाँ पर जो विड्रॉल दिख रहा है यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर सबसे पहले आपको अपना पेटीएम नंबर को एंटर कर देना, जिस भी पेटीएम नंबर में आप अमेजोन पे बैलेंस को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। पेटीएम नंबर एंटर करने के बाद सिंपली नीचे अमाउंट एंटर करेंगे, जितना भी अमाउंट आपने डाला था उस अमाउंट के यहाँ पर एंटर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर 10% का चार्ज लगता है, सिंपली उसके बाद आप यहाँ पर ट्रांसफ़र के बटन में क्लिक करेंगे, उसके बाद येस कर देंगे और ये जो है आपका पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। चलिए मैं पेटीएम वॉलेट में भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए चलते हैं पेटीएम में। सिंपली मैं यहाँ पर पेटीएम ऐप को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ पासबुक वाले सेक्शन में। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा 148 रुपया है, नीचे यहाँ पर देख सकते हैं 108 रुपया मेरा रिसीव हुआ है, देख सकते हैं 108 रुपया यहाँ पर मुझे सक्सेसफुली इंस्टेंट रिसीव हो गया है। यहाँ पर इंस्टेंट पेमेंट देता है आपको, 10% कट के यहाँ पर आपको पेमेंट देता है। तो इस तरह से आप अमेजोन पे बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ट्रिक कब तक काम करेगा मुझे भी पता नहीं, क्योंकि इस ऐप कब तक अमेजोन पे बैलेंस का ऑप्शन रखेगा इस ऐप के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।